औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले कुछ अरसे से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बताया जाए कि कोई साइड इनकम हो, कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जो कि लेगिटिमेट हो और परफेक्ट श्योरिटी हो जिससे पैसे आते हों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट वॉलेट क्या है। ट्रस्ट वॉलेट एक क्रिप्टो करेंसी अकाउंट है जिसमें से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आप विड्रा करवाना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन से आप विड्रा ले सकते हैं और इसको आप अपने जैज कैश इजी पैसा में भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो को देखें, सुने और फिर उसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके सर्च बार में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है ट्रस्ट वॉलेट। जैसे मैं ट्रस्ट वॉलेट लिखता हूँ तो ये देखें ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट है। आप इसकी रेटिंग चेक करें, रेटिंग इसकी 4.5 है इस वक्त, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करें तो ये आपके फ़ोन पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये जीमेल, हॉटमेल, किसी भी ईमेल के साथ नहीं चलता। ये इसका अपना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके साथ ये कनेक्ट होता है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ और उस चीज़ को आपने लाजिम जो है ना ज़हन नशीन रखना है। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ये ओपन हो गया, ओपन करेंगे तो आ जाएगा प्राइवेट एंड सिक्योर। प्राइवेट कीज़ नेवर लीव योर डिवाइस। क्रिएट अ न्यू वॉलेट। आपका अगर पहले से अकाउंट है तो आई हैव ऑलरेडी अ वॉलेट, इस पर क्लिक करें, और अगर आपका नहीं है तो क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करें। आगे इसमें देखें क्या कहता है, ऑल एसेट्स इन वन प्लेस। इस वॉलेट के अंदर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी अपनी मंगवा सकते हैं और उसको अपने चैज कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी पैसा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें चाहे बिटकॉइन है, चाहे बायनांस है, चाहे इथेरियम है, कोई भी है, ठीक है। इससे आगे देखें, इसमें कहता है ट्रेड एसेट्स, ट्रेड योर एसेट्स एनोमसली, कि आप अपने जो आपके एसेट्स हैं उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं सीक्रेटली। एनोमसली कहते हैं सीक्रेटली, हिडनली, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप अपना इसमें काम करते रहेंगे। एक्सप्लोर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, गेम्स के साथ भी जो लोग अर्निंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, वो लोग भी अपने इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम जाएंगे क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे, क्योंकि हमारा वॉलेट पहले से नहीं है। क्रिएट या न्यू वॉलेट करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपने पढ़नी है, आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें। टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपने पढ़नी है तो आप पढ़ें। उसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको वो पूछेगा कि आपने क्या पासकोड रखना है। पासकोड जैसे आपका मोबाइल का होता है, जैसे आपका लैपटॉप डिवाइस का होता है, किसी भी
बैंक से रिलेटेड भी होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी होता है। तो आप यहाँ पे पासकोड एक अपना रखेंगे और ये पासकोड आपने किसी के साथ शेयर हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। मैं वक्ती तौर पे एक पासकोड लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कहता है बैकअप योर वॉलेट, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने अपने डायरी पे अपने पास रिटर्न में लिख लेना, इसी के ऊपर जो है ना आपका सारे का सारा दारोमदार है। अगर तो ये गुम हो गया तो आप समझ लें कि आपके पैसे ख़त्म, फिनिश। और अगर ये आपके पास है तो आपके पैसे आपके पास हैं। तो लिहाजा आपने इस स्टेप से पहले अपने पास पेन डायरी लेके उसके ऊपर लिख लेना है। कहता है इफ़ आई लूज माई सीक्रेट फ्रेज माई फंड्स विल बी लॉस्ट फॉर एवर, कि अगर मैं अपना 12 वर्ड्स का कोड भूल जाता हूँ तो मेरे पैसे हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, इफ़ आई एक्सपोज और शेयर माई सीक्रेट फ्रेज टू एनी बॉडी माई फंड्स कैन गेट स्टोलन, और अगर मैं ये अपने 12 वर्ड्स का कोड किसी के साथ शेयर करता हूँ तो ये मेरे चोरी भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, ट्रस्ट वैलेट सपोर्ट विल नेवर रीच आउट टू आस्क फॉर इट, ट्रस्ट वैलेट की जो सपोर्ट है, हेल्प है, वो उसको भी नहीं मालूम कि आपके 12 कोड क्या है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है कि उनको भी नहीं मालूम कि आपको 12 कोड कौन से आए हैं, ये आपके पास ही हैं और ये आप अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपके पैसे चोरी हो जाएंगे, अगर आप भूल जाएंगे तो समझ लें कि आपके पैसे ख़त्म हो गए। मैं कहता हूँ ओके और कंटिन्यू पे क्लिक करें। लेकिन ये 12 कोड आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने इन 12 कोड्स को अपने पास तरतीब में लिख लेना है, ठीक है, इसी तरतीब में आपने लिखना है जिस तरतीब में ये हैं, ताकि आपको इनका अगर कभी लगाने पड़े, कभी डिवाइस चेंज करनी पड़े, कभी मोबाइल चेंज करना पड़े, ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे रिटर्न में आपके पास पड़े हों और आप इनको इसी तरतीब में लिखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 में लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इनको लिख लें और ये जब आप अपना बनाएंगे तब आपने लिखने हैं, ठीक है, और एक तरतीब में लिखना है, जैसे एक पे जो भी है, एक पे वो, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे, उसी तरतीब में आपने ये लिख लेने हैं, ठीक है ना, ताकि आपके पास ये महफूज रहें और आपके पैसे आपके पास महफूज रहें। इन फ्यूचर आपको क्रिप्टो करेंसी बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो मैं आप कॉपी पे क्लिक करता हूँ या कंटिन्यू, कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कॉपी हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद। अब वो कहता है कि वेरीफाई सीक्रेट फ्रेज़, कि जो फ्रेज़ अभी पीछे आपने देखा, अब नीचे से उसको एक तरतीब में लिखें जिस तरतीब में वहाँ पे था, ठीक है। तो मैं उसको उसी तरतीब में यहाँ पे लिख रहा हूँ जिस तरतीब में वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था। तो आपने इसको अपने पास बार बार बताने का मकसद ये है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस फ्रेज़ को ना किसी के साथ शेयर करना है, ना किसी को बताना है, और ख़ुद के पास आपने इसको सेफ रखना है, ठीक है। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि ये फ्रेज़ जो है ना, ये आपकी की है, ठीक है। लें जी, ये हो गया और अब मैं करूँगा डन। जैसे मैं डन करूँगा तो मेरा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट हो गया। कहता है योर वॉलेट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, मैं कहता हूँ डन, थैंक यू। अब कहता है पुश नोटिफिकेशंस, मैं कहता हूँ ओके एनेबल। अब ये देखें, ये इसका मेन इंटरफेस आ गया जिसमें आपको कह रहा है आप इसमें बिटकॉइन मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं, इथेरियम, बीएनबी, बीएनबी स्मार्ट चेन और बहुत एनएफटीज भी आप इसके अंदर सेंड और रिसीव कर सकते हैं।
NFT लेटेस्ट आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप इसको भी भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो भेजने के लिए आप देखें, सेंड मनी है, ठीक है, और रिसीव के लिए, मंगवाने के लिए रिसीव है, तो वो आप इसमें अपना जो भी आपका अकाउंट है उसका कोड देंगे और पैसे आपको आ जाएंगे। फर्दर आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में मेन वॉलेट में जाएं, अगर आपको नहीं लिखा तो मेन वॉलेट में जाएं और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें और शो द सीक्रेट फ्रेज, और यहाँ पे आप अपना पासकोड दें तो सीक्रेट फ्रेज आपको दोबारा शो कर देगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आने वाले टाइम पे हम आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मज़ीद अपडेट देंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करें और अर्न करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।